ये जो 10 टू 15 मिनट का सेशन हम करने जा रहे हैं इस सेशन को आप पूरा देखिए एग्जाम देने से पहले अगर आप ये सेशन देखोगे तो मैं सर्टेनली बोल सकता हूँ कि एग्जाम में आपके मार्क्स इंप्रूव होने ही होने। बार क्या होता है जब इंस्ट्रक्शन ओपन होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं बार बार यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ओके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं प्रोसीड पे क्लिक करते हैं एग्जाम में यार देखो सबको पता है अंडर प्रेशर होता है ठीक है एग्जाम में दौड़ते भागते हुए जाके बैठते हैं बैठते हैं साल भर कॉपी पेन पे प्रैक्टिस की होती है वहां पे चेयर टेबल रखना इस बात को याद रखने से ज़्यादा इस बात की प्रैक्टिस करना भाई ठीक है ये जो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ ना इस पर जाओ और जाके बेटा इस पर प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से स्टार्ट करो ठीक है ठीक हेलो जई सोल्जर्स सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन माई नेम इज़ विशाल सोनी आई एम एक्स आई एस ऑफिसर और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एग्जाम से जस्ट पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है आप सभी लोग जे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का सेशन टू अटैम्प्ट करने जा रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोगों ने सेशन वन दिया होगा सेशन टू में वो अपनी पर्सनटाइल को इम्प्रूव करना चाहते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हों जो डायरेक्टली सेशन टू में अटैम्प्ट देने जा रहे होंगे दोनों लोगों के ही दिमाग में इस टाइम पर बहुत सारी बातें चल रही होंगी कुछ एंगजाइटी अंदर से आ रही होगी थोड़ा डर भी लग रहा होगा जैसे जैसे तैयारी आपकी और बेहतर होती जाती है डर उसी रेशों में बढ़ता जाता है और जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आती जाती है कहीं ना कहीं पे वो एंगजाइटी और डेवलप होती जाती है तो मैं आप सभी लोगों से एक एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का सेशन हम करने जा रहे हैं इस सेशन को आप पूरा देखिए एग्जाम देने से पहले अगर आप ये सेशन देखोगे तो मैं सर्टेनली बोल सकता हूं कि एग्जाम में आपके मार्क्स इंप्रूव होने ही होने हैं है ना और कहीं आपने एग्जाम देने के बाद इस सेशन को देखा तो शायद आपको रिग्रेट ना रह जाए कि यार यारेशन टेन मिनट का हमको देख लेना चाहिए था सो आई थिंक वी आर गुड टू हमें ये सेशन स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहली चीज इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन में हम कोई टेक्निकल बात नहीं करने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो आप ऑलरेडी अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर चुके हो अब मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो अगले 10 टू 15 डेज में पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है देखिए अगले 10 टू 15 डेज में आप पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो कि पूरी फिजिक्स दोबारा पढ़ लो है ना कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर किसी का छूट गया है किसी का फ्लूइड मैकेनिक छूट गया है तो हो सकता है वो पूरा का पूरा चैप्टर ना पढ़ पाए यानी कि अगले टेन टू फिफ्टीन डेज़ में हमारा फोकस होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है और उसको हमें बेस्ट पॉसिबल वे में कंट्रोल करना चाहिए तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन ऑन दिस नोट और ये सारी बातों को हमें कंट्रोल करना हो और एक बहुत अच्छा परसेंटाइल हमको स्कोर करना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जब तक मैं ये सेशन बना रहा हूँ तब तक अभी जो आपके दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाले जेई मेन्स के उनके डेट्स आए नहीं है कि कौन सी डेट को कौन सी शिफ्ट में किसका एग्जामिनेशन होगा ठीक है तो जब आप आ, इस सेशन को देखें और आपको पता लग जाए कि कौन से शिफ्ट में और कौन सी डेट को आपका एग्जामिनेशन है तो ये वाला पॉइंट वहाँ पे काम आएगा यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ बॉडी क्लॉक बॉडी क्लॉक क्या होता है सबसे पहले डेट देख लेते हैं देखिए आप सभी लोगों का जो एग्जामिनेशन होने वाला है फर्स्ट अप्रैल से फिफ्टीन अप्रैल के बीच में होने वाला है दो शिफ्ट में होने वाला है सुबह नौ बजे से बारह बजे तक और दोपहर को तीन बजे से छः बजे तक अभी एज ऑफ नाउ आप लोगों को इन दो स्लॉट्स में ना हाइपर एक्टिव रहने की जरूरत है आप सभी लोग अगर इस समय अपनी तैयारी को आगे बढ़ा चुके हो तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट के लेवल तक आप लोग पहुंच चुके होंगे तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए है ना एक मॉक टेस्ट आप नौ से बारह के स्लॉट में लगाओ और दूसरा मॉक टेस्ट आप तीन बजे से छह बजे के स्लॉट में लगाओ इस टाइम स्लॉट के दौरान आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो जितनी भी चीज़ों को आप रीड आउट कर रहे हो वो इसी ड्यूरेशन में होना चाहिए क्योंकि जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे ना तो एक्चुअल एग्जाम की ड्यूरेशन इन्हीं दोनों में से किसी ना किसी टाइम पे होगी और अगर इसी टाइम पे होगी तो आपका जो दिमाग है ना वो वेल ट्रेंड होगा बिल्कुल वेल ट्रेंड होगा नौ बजते ही एक्टिवेट हो जाएगा और अगले तीन घंटे तक आप परफॉर्म कर पाओगे सपोज आप पूरे साल नौ से बारह बजे तक सोते ही रहो ठीक है आप बारह बजे उठते हो या साढ़े दस बजे उठते हो या ग्यारह बजे उठते हो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि एग्जाम वाले दिन जो आप नौ से बारह के स्लॉट में बैठोगे ना आपसे सिली मिस्टेक्स होने वाली वहाँ पर ठीक है कुछ ना कुछ गलतियाँ आप वहाँ पर ज़रूर करोगे और सिली मिस्टेक्स का मतलब ऐसी चीज़ है कि जो क्वेश्चन हमको आता है ठीक है जो क्वेश्चन हमको आता है हम उसको गलत वहाँ पे कर देंगे जिसकी वजह से बाद में हमको रिग्रेट होता है एक बात हमेशा याद रखना मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेट एग्जाम्स निकाले ठीक है किसी दिन अलग से उसकी चर्चा करूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन होता है ना वो तो कभी इस वजह से नहीं रुकता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन हमेशा इस वजह से रुकता है कि हम आते आते क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो क्वेश्चन हमको आता है भाई वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो वो बात की बात है बट जो क्वेश्चन आता है उसको गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो सबसे पहली चीज़ अपनी बॉडी क्लॉक को भाई एडजस्ट करना है ठीक है नौ से बारह तीन से छः जैसे ही आपको पता चल जाए कि यार मेरा तीन से छः के दौरान है तो तीन से छः में और आप एक्टिव रहने की कोशिश करिए जिन बच्चों को पता पता चल जाए बाद में कि मेरा नौ से बारह किसान ट में है तो आप नौ से बारह के स्लॉट में एक्टिव हो जाइए अभी जब तक नहीं पता है तब तक आप इन दोनों स्लॉट्स में हाइपर एक्टिव रहिए ठीक है थीके? और साथ के साथ जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन ऑब्वियसली आप नौ बजे नहीं उठोगे आप उठोगे सात बजे या छह बजे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेंटर कितनी दूर है जिनका तीन बजे होगा वो बारह साढ़े बारह बजे ही तैयार होकर निकलना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग अपने उठने का टाइम सही करो ठीक है छह साढ़े छह बजे आप लोग उठने की आदत डालो ठीक है अभी जो आपको पता चल जाए कि मेरा नौ बजे तो आपको छह साढ़े छह बजे वाली हैबिट कंटिन्यू करनी है जिनको नहीं पता है मतलब जिनका तीन बजे का है वो थोड़ा लेट भी उठ सकते हैं तो ये जब आपका एग्जैक्ट पता चल जाए थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइज करिए मीन वाइल अब आप लोग छह साढ़े बजे उठने की आदत डाली आई होप पहला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार बिल्कुल क्लियर रखो अपने दिमाग में दिमाग ठंडा रहेगा रिलैक्स रहेगा दिमाग को आदत रहेगी कि हाँ भाई मुझे नौ बजे उठ के ही एग्जाम में तीन घंटे तक मेहनत करनी है दिमाग को पता है कि यार कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन पढ़ना है डेटा उतारना है तो एग्जाम वाले दिन आपसे बिल्कुल ही वियर्ड सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे ठीक है तो आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग सेंस आपको एग्जाम से पहले क्या क्या करना है अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है मॉक टेस्ट के एनालिसिस तो सबसे पहली चीज़ तो मॉक टेस्ट देना कैसे ठीक है आइए मैं जल्दी से आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना मॉक टेस्ट देना कैसे ठीक है देखिए आप जब भी मॉक टेस्ट देने जाओगे ना आप इस वेबसाइट पर जाना एन डी ए डॉ ए सी डॉट इन स्लैश क्विज ठीक है जैसे आप जाओगे ये पोर्टल आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे ये पोर्टल आपका ओपन होता है ना यहाँ पे आप अपना एग्जाम चूज़ करो ठीक है जेई मेन से को मैंने यहाँ पे एग्जाम चूज़ कर लिया फिर यहाँ पे पेपर आ रहा होगा इस पेपर को आप लोग चूज़ करो तो यहाँ बी का कोई भी एक पेपर आप चूज़ कर लेना सपोज रैंडमली मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे देखो तो ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया यूज़र ने पासवर्ड ये ऑटो फिल्ड आपका रहेगा आपको जस्ट यहाँ पे लॉग इन कर देना ठीक है जैसे आप यहाँ पे लॉग इन कर दोगे ना ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वही इंटरफेस ओपन हो गया जो आप जेई के एग्जामिनेशन में देने वाले हो सकता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते उन्होंने ये सेम इंटरफेस रेप्लीकेट करके रखा हो बाय द वे नहीं करके रखा हुआ है तो आप आ, मैं कह रहा हूँ करके रखा हुआ है नहीं भी करके रखा हुआ है ये आपको करना ही करना है ठीक है फिर आप क्या करो ना इनके सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ो प्रॉपर ये आपको उस दिन एग्जाम में भी करने हैं बट ये आप इतनी बार कर लो ना कि आपके लिए हैबिट बन जाइए ठीक है इसमें सब कुछ दे रखा है ठीक है कि सबसे पहली चीज ये वाइट जो है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है रेड का मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया ग्रीन का मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है ये ब्लू का मतलब जो सर्कल्ड है आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया बट इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है और इस ग्रीन का मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर किया है और तब भी मार्क फॉर रिव्यू कर लिया क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपने जो आंसर निकाला वो सही था या नहीं अभी मैं आपको एक्चुअल में इसके मार्किंग करके भी दिखाता हूँ ठीक है राइट उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अभी आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा मेन ये सारी इंस्ट्रक्शन ना आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना जहाँ पे दो तीन मिनट अपने लॉस्ट हो जाते हैं मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका था इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कई कई बार क्या होता है जब इंस्ट्रक्शन ओपन होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं बार बार यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ओके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं प्रोसीड पे क्लिक करते हैं एग्जाम में यार देखो सबको पता है अंडर प्रेशर होता है ठीक है एग्जाम में दौड़ते भागते हुए जाके बैठते हैं बैठते हैं साल भर कॉपी पेन पे, पे प्रैक्टिस की होती है वहाँ पे चेयर टेबल माउस मिल जाता है तो थोड़ा दिमाग काम नहीं करता तो आप याद रखना कि ये आगे आप तभी बढ़ पाओगे जो आपने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको आपने टिक कर दिया उससे आप अग्री कर गए ठीक है अब आप प्रोसीड करिए देखिए जैसे आप प्रोसीड करोगे ना सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में टेंशन बढ़ाएगी वो ये टाइमर जो ये रिमेनिंग टाइम आपको दिख देखना तीन घंटे का टाइमर देखो चलना स्टार्ट हो गया एक एक सेकेंड यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो पहले एक सवा घंटे तक ना इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश मत करना कि बार बार आप देख के पैनिक हो रहा समय निकलता जा रहा समझे नहीं आराम से रिलैक्स होकर आपको रहना है ठीक है अब देखिए जैसे सपोज ये पहला क्वेश्चन आया पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा ठीक है मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया अटेम्प्ट करने के बाद मेरा एक आंसर आ गया आंसर देखिए मैं कैसे इसको इसका कर रहा हूँ ठीक है सपोज इसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया और एक आंसर आ गया आंसर मैंने फ़र्स्ट टिक कर दिया इसमें ठीक है अब फर्स्ट आंसर इसमें टिक करने के बाद मैंने सोचा चलो मेरा क्वेश्चन हो गया मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ मैंने तो सही आंसर दे दिया जैसे ही भाई साहब आप नेक्स्ट पे जाओगे एक देखना बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई क्या यहाँ पे देखो जीरो वन पे रेड बना हुआ है ऐसा क्यों आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया अगर हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया था टिक भी कर दिया है पीछे जाके अगर हम देखें पीछे जाके अगर हम देखें आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर टू हाँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन पे टिक भी है तो आखिर ये हमें यहाँ पे रेड क्यों दिखाई दे रहा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यहां से नेक्स्ट क्लिक नहीं करेंगे हमेशा सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है समझे मेरी बात को जैसे क्वेश्चन नंबर टू में देखो सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लिया मुझे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्क क्लिक करूँगा देखो यहाँ पर मुझे ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया और मैं इसको बाद में रिव्यू भी नहीं करना चाहता चाहता हूं मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि भाई ये क्वेश्चन जो मैंने निकाला इसका आंसर बिल्कुल सही है मतलब बिल्कुल रटा रटा क्वेश्चन है, है पचासों बार ये क्वेश्चन में लगा चुका हूं तो क्लिक करके मैं इस पर आगे बढ़ गया ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सपोज हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है ध्यान से सुनते रहना सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपको लगा कि इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट था थर्ड वाले ऑप्शन पे मैंने टिक कर दिया थर्ड वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर फाइव पे आए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आए आपने देखा कि चलो ठीक है जो क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे था वो हमने टिक कर लिया था ठीक है बट आपको इमीडिएटली याद आया कि यार उस क्वेश्चन नंबर फोर में ना मैं दो से डिवाइड करना भूल गया था है ना दो से डिवाइड करना भूल गया था आप इमीडिएटली पीछे गए पीछे गए आपको लगा कि जब मैं दो से डिवाइड करता तो मेरा शायद थर्ड ऑप्शन की जगह पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता अगर आप थर्ड ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन जाना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन जाने के लिए डायरेक्टली ऐसे टू पे क्लिक मत करना ठीक है आपको अगर थर्ड से सेकंड पे जाना है ये थर्ड लिखा हुआ पहले यहाँ पे करना क्लियर कर दिया आपने क्लियर क्लियर करने के बाद वापस से अपना ऑप्शन यहाँ पर फिल करिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए आई होप दिस इज मेकिंग सेंस यार छोटी छोटी बातें हैं ठीक है थोड़ा सा क्लैरिटी रखेंगे एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ अगर किसी क्वेश्चन में बिल्कुल डेड इज श्योर हो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है टाइम लग रहा है एक डेढ़ मिनट से ज्यादा लग रहा है छोड़ दो उस क्वेश्चन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है बट सेव एंड नेक्स्ट करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे मीन वैल सपोज आप फोर्टीन क्वेश्चन पे हो आपको अचानक से याद है कि बारवें वाले क्वेश्चन में यार मैंने कॉस्ट 90 की वैल्यू जो थी ना वो वन लिख दी थी गलती से कॉस्ट 90 जीरो मुझे लिखना चाहिए था तो आप जब उस वाले बारहवें क्वेश्चन में जाओगे पहले ऑप्शन को क्लियर करना फिर सही ऑप्शन टिक करना फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना ठीक है ना याद रखना इस बात को याद रखने से ज्यादा इस बात की प्रैक्टिस करना भाई ठीक है ये जो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ ना इस पर जाओ और जाके बेटा इस पर प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से स्टार्ट करो ठीक है एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन जितने भी टाइम अभी आपके पास बचे हुए हैं ना डेली कम से कम दो बार इस वेबसाइट पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो जब आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप डेटा फिल करते हो ना तो उसको हमेशा माउस से लैपटॉप को कनेक्ट करके फिल करना ठीक है

अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है लग तो रहा है यार दो आ जाना चाहिए बट आप क्लियर नहीं हो आपने चेक भी कर लिया आपको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है बाद में टाइम बचेगा दोबारा चेक करेंगे बाद में टाइम बचेगा दोबारा चेक करेंगे इसका मतलब आपने अगर यहाँ पर किया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट अगर आपने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट तो देखो यहाँ पर ये पर्पल कलर का सर्कल बन गया अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट दबा तो दिया और बाय द वे क्वेश्चन आके बढ़ता गया बढ़ता गया ये टाइमर चलता गया चलता गया ये टाइमर चलते चलते तीन घंटे आपके कंप्लीट हो गए और आपका पेपर ऑटो सबमिट हो गया अब देखिएगा मेरी बात को आपने इस क्वेश्चन नंबर फाइव में ना आंसर किया आंसर करने के साथ साथ इसको आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू भी कर लिया ठीक है बट ये क्वेश्चन आपका इवेल्युएशन के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा मान लो कि क्वेश्चन नंबर फाइव में जो आपने जो आपने ये किया ना क्वेश्चन नंबर फाइव में है ना अगर हम लोग पीछे जाए तो सपोज आपने दो टिक कर दिया था ठीक है सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया था और बाय द वे सेकंड ऑप्शन ही सही था बट आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके रखा था ना तो ये क्वेश्चन एक तरीके से अब आपका ही नहीं होगा समझे मेरी बात को तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है तो यहाँ पे इसीलिए दो चीजें दे रखी अगर आप सिर्फ मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करोगे यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ विल अगर आपने यहाँ पे कर लिया क्वेश्चन uh, uh, नंबर हाँ. yes. हाँ रखा ना तो इवेल्युएशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा चलो एक और क्वेश्चन में करके देखते हैं जैसे मान लो question, जैसे हम आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा सिक्स है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्ड ऑप्शन टिक कर दिया अब मैं इसमें सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करता हूं भाई साहब जब मैं इसमें सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू करूंगा ना तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स मुझे दिख रहा है ना ये क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैंने सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू कर दिया है ना तीन घंटे कंप्लीट हो गए वापस मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आ पाया द वे ठीक है और ये ऑटो सबमिट हो गया और अगर कहीं इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर वही निकला जो हमने टिक किया था तो ये इवेल्युशन के लिए कंसिडर किया जाएगा यानी कि यहाँ पे हमको नंबर मिलेंगे और अगर जो हमने आंसर टिक किया था जो आपका जे है उसका आंसर कुछ और आया तो यहाँ पे हमको नेगेटिव मार्क भी मिलेंगे तो यहाँ पे आप दोनों पहलू लेके चलिए ठीक है ऐसा नहीं कि सर इसका मतलब तो हमको हर बार सेव आ, मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ही करके चलना चाहिए या सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू करके चलना चाहिए नहीं वो देखना पड़ेगा अगर आप 80 90 परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि यार ठीक है मैंने जो कैलकुलेट किया वो कैलकुलेशन सही बैठ रही है तो उस केस में सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू आप कर दीजिए है ना और आपको अगर लग रहा है कि यार मैं बाद में आके पूरी तरीके से कैलकुलेशन करूँगा मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ है ना क्योंकि जब आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो वो इवेलुएट ही नहीं होगा तो ना तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे ना तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे बट कहीं आपने

राइट right. ठीक है ना समझ गया ना मेरी बात को अब यहां से देखो क्वेश्चन पे आप नेविगेट भी कर सकते हो आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे चलता हूं डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे आ गए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे आने के बाद आपने सेकंड को टिक कर दिया सेकंड को आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन सही हुआ तो नंबर मिलेगा गलत हुआ तो नंबर नहीं मिलेगा ठीक है और किसी क्वेश्चन पे चलते हैं चलो सिक्सटी सिक्स पे चलते हैं सिक्सटी सिक्स पर हमने मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया मार्क्स फॉर रिव्यू कर दिया अगर ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी सही हुआ तो भी हमको कोई नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इवेल्यूएट ही नहीं होगा तो जब आप ऐसे पूरा का पूरा फिल कर लो ना तो आप एक बार ज़रूर देखना जहाँ जहाँ पे रेड थे इसका मतलब तो वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे जहाँ जहाँ पे ग्रीन थे वो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे ये ब्लू वाले क्वेश्चन को आप वापस से रिविजिट करेंगे है ना तो पहला मेरा सजेशन ये होगा कि पहले वन वन एंड हाफ आवर में आप अच्छी तरीके से पेपर को जो इजी इजी वाले पार्ट है जो आपने पढ़े हुए हैं जो पेपर में आपको नंबर दिला के ही जाएंगे जैसे यही क्वेश्चन खुला हुआ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हर कोई कर सकता है इसको तो ऐसे क्वेश्चन पहले निपटा लो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ दो ईगो की कोई फाइट है ही नहीं हर क्वेश्चन में चार ही नंबर मिलने वाले हैं आपको

आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि अगर आपको पेपर जो है वो 240 नंबर का आता था तो आपके 200 नंबर क्यों आए पहला एस्पेक्ट क्या होना चाहिए कि 300 नंबर का पेपर था वो तो ठीक है 300 में मुझे ही आता 240 नंबर का था तो नंबर मेरे 200 क्यों आए यानी कि वो 40 नंबर जो मुझे आते थे वो मुझसे गलत क्यों हुए क्या रीज़न थे उसके

मॉक टेस्ट के एनालिसिस करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक तीन घंटे का मॉकटेस देख के आ रहे हो तो भाई एक सवा घंटे बैठ के उसके एनालिसिस करना ही करना है यार इसमें कोई दो राय नहीं है समझ रहे हो मेरी बात को ठीक है बिल्कुल करना है उसके एनालिसिस उसमें देखो और मैं कह रहा हूँ ना जो साठ नंबर का नहीं आ रहा वो टीची के छोड़ दो एक एक बार के लिए देख लो एक बार उसके पन्ने पलट पलट के अगर आपको उसमें लग रहा है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ टेन ट्वेल्व डेज में तो ठीक है अदरवाइज उसको लीव कर दो अभी फोकस होना चाहिए कि जितने का मॉक टेस्ट आता है उतने हमारे एक्ूरेसी हमारी नाइनटी नाइन परसेंट के आसपास होनी चाहिए गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते उन क्वेश्चन को जो हमको आते हैं जो नहीं आते वो छोड़ सकते हैं हम लोग ठीक है तो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी यार एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ ज़्यादातर लोगों को पता होता है बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता पता होना चाहिए देखिए मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में दो सेक्शन आपको मिलेंगे सेक्शन 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 ए ए बी में 20 होंगे एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चार ऑप्शन होंगे एक करेक्ट हो सही करोगे चार नंबर मिलेगा गलत करोगे माइनस वन के नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी सेक्शन बी में दस क्वेश्चन होंगे ये आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग है न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी बट ये जो दस क्वेश्चन है भाई साहब इसमें से आपको ना पांच क्वेश्चन ही करने हैं ठीक है थीके? सारे नहीं करने दस में से पांच करने तभी तो देखो सौ नंबर बनेगा बीस चौका अस्सी और पांच चौका बीस तभी तो यहाँ पे हंड्रेड बनेगा तो दस में से आपको पांच ही करने वैसे ही फिजिक्स में भी बी बीस क्वेश्चन एमसी क्यू दस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप इन दस में से पांच करने टोटल सौ बीस क्वेश्चन एमसी क्यू ये दस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप इसमें से पांच करने सौ टोटल तीन सौ नंबर का पेपर आपका बन जाएगा नब्बे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे अल्टीमेटली उसमें अटेम्प्ट आपको कितने करने रहेंगे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन मतलब ये तो साठ पूरे करने अटेम्प्ट करने हैं जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो और ये जो तीस दिख रहा है उसमें से फिफ्टीन आपको करने हैं ठीक है परफेक्ट अब इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया सही आंसर दोगे भाई साहब पूरे नंबर मिलेंगे गलत आंसर दोगे माइनस वन मिलेंगे है ना अन आंसर्ड या फिर मार्क्स फॉर रिव्यू आपने करके छोड़ दिया तो जीरो नंबर यहाँ पे मिलेंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में बहुत सारे लोगों को लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पर भी होती है यार नेगेटिव मार्किंग ठीक है तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर भी होती है इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे सही आंसर करने पे चार गलत करने पे माइनस वन और नो मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मिस्टेक्स नोट्स मैंने आप लोगों को बताया हर टेस्ट देने के बाद जो जो गलतियाँ आप लोगों से हो रही है ठीक है जितनी भी मिस्टेक हो रही है ठीक है जैसे मुझसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती थी मैं आपको बताता हूँ ठीक है जैसे जो हुई है मुझसे मैं वो बता रहा हूँ कि कभी ना हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखने के दौरान इसको प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं कुछ भी ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हो गई कि, कि किसी किसी एग्ज़ाम में कॉस 90 को मैंने वन लिख दिया ठीक है किसी किसी एग्जाम में समझिए कि वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना था बाय द वे अब इसका डिफरेंशिएशन करने के दौरान हमने कोई मिस्टेक कर दी तो ये सारी बातें ना एक कॉपी पे नोट कर लो कि यार ये गलतियां मैं बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहा हूँ और जब भी आप अगला मॉक टेस्ट देने जाओ तो उस कॉपी को एक बार रिव्यू करके चले जाओ है ना उस कॉपी को एक बार रिव्यू करके चले जाओ तो आपको पता रहेगा कि यार ये गलतियाँ नहीं करनी उसके बाद भी कुछ गलतियाँ होंगी ऑब्वियसली है ना क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती होती है हम लोग humans हैं। But वो नहीं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना ना लोग बोलते हैं आप तभी महान बनते हो जब आप नई गलतियाँ करते हो और पुरानी गलतियों से सीखते हो तो वही हम लोगों को महान बनने की शुरुआत यहीं से करनी है ठीक है बाकी इसके अलावा लास्ट के टेन ट्वेल्व डेज में क्या करना चाहिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आ, एक तो सेन के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे पेपर हुए थे वो सारे क्वेश्चन लगा डालो ठीक है बैठ के सारे क्वेश्चन लगा डालो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो आपके जनवरी में हुए थे ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे क्वेश्चन बैठ के लगा डालो और डेली कम से कम दो घंटा डेडिकेट करो शॉर्ट नोट्स के रिविजन में मिनिमम टू आवर्स का डेडिकेशन चाहिए यार शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करो दबा के रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स को फॉर्मले बिल्कुल टंग टिप्स पर होने चाहिए तो सपोज अगर आप एक दिन में मान के चलते हो ऑन एन एवरेज बेसिस बारह घंटे के आसपास अगर आप पढ़ाई करते हो तो दो से तीन घंटे या एक एक घंटे तीनों सब्जेक्ट के फॉर्मला रिविजन के लिए निकाल दो जो आपके शिफ्ट में पेपर हो एलोकेट कर लो बाकी पढ़ाई के लिए कर लो को रिव्यू कर, कर लेता हूँ तो कुछ टाइम आप उसके लिए एलोकेट कर लीजिए ठीक है बट बट बत एक सिंगल चीज नहीं करनी कि आप सिर्फ क्लास नोट्स ही पढ़े जा रहे हो कोई सिर्फ लगाया जा रहा है कोई सिर्फ सेशन वन के क्वेश्चन लगाया जा रहा है कोई सिर्फ शॉर्ट रिवाइज कर दिन को तीन चार अलग अलग एक्टिविटीज में ब्रेक कर लो ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारी तैयारी सब कुछ दुनिया की सारी बातें तभी लागू होती है जो आपकी हेल्थ अच्छी है ठीक है स्ट्रेस मत लो आपने तैयारी की है जो होना होगा हो जाएगा ठीक है जेई में अच्छी रैंक आएगी तो भी बहुत अच्छी बात है थोड़ी रैंक ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो उससे अच्छा भी हम लोग लाइफ में कुछ करेंगे तो दुनिया में जितने भी लोगों ने बहुत कुछ बड़ा किया है अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में सारे ऐसा नहीं कि आ, जिन उन लोगों ने जेई का एग्जाम क्लियर किया था बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलैक्स हो जाएंगे यार जे का एग्जाम क्लियर नहीं किया था उन्होंने जे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया बट जे के एग्ज़ाम का जो प्रोसेस था वो फॉलो किया मेहनत की हार्डवर्क किया कड़ी मेहनत की एक एग्ज़ाम में गलती से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उसके बाद उन्होंने सारे एग्जाम्स लाइन से निकाले तो सक्सेस स्टोरी भी हमको देखनी सिर्फ

प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करती आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी आने वाले फ्यूचर्स के लिए एक नेक्स्ट लेवल का हम लोगों को क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाती कि कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कैसे हैंडल करना है तो हम इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ठीक है तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है स्पाइसी चीज़ें बाहर की चीज़ें कोशिश करो इस समय अवॉइड करो ठीक है Uh, सही टाइम पे सो सही टाइम पे उठने की कोशिश करो अपनी फूडिंग अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो सुबह उठ के थोड़ी देर सनलाइट लेने की कोशिश करो प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेटेड रखो पानी अच्छी तरीके से पीते रहो ठीक है सो so दैट आपकी थोड़ा आपकी बॉडी अचानक से डिहाइड्रेट ना हो जाए एग्जाम से दो तीन दिन पहले तो कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है और हेल्थ का अटमोस्ट केयर आप लोगों को करना है समझ गया मेरी बात को याद रखना इस बात को ठीक है अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना है देखिए मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमेशा पहले मैं आपको अपने अपने एग्जाम की एक स्टोरी सुनाता हूँ ठीक है मेरे साथ जब मैंने पहला कॉम्पिटेट एग्जामिनेशन दिया था तो क्या हुआ था मैंने जब पहला कॉम्पिटेट एग्जाम दिया तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था माइक्रो प्रोसेसर ठीक है तो माइक्रो प्रोसेसर मैंने बहुत डिटेल में मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसर क्वेश्चन मुझसे कभी गलत ही नहीं होता था ठीक है तब बोलते थे कि भाई तुमसे कोई क्वेश्चन होना होना माइक्रोपोसर का क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा अब मैं एग्जाम देने गया और ऊपर वाले की कृपा देखो पहला ही क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर का पहला क्वेश्चन किसका माइक्रो प्रोसेसर का ठीक है अब मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा चलो भाई आज तो दिन बन गया पोड़ने वाले होंगे एग्जाम माइक्रोप्रोसेसर का क्वेश्चन मैं लगाते गया लगाते गया लगाते गया सत्रह मिनट हो गए मुझे आज भी याद है और जो चार ऑप्शन वहाँ से दिए थे ना एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है सत्रह मिनट से हो गए चौबीस मिनट मैं माइक्रोप्रोसेसर के क्वेश्चन में अपनी ईगो पे लगा रहा कि यार मुझसे गलत नहीं हो सकता माइक्रोपोसर का क्वेश्चन भाई साहब चौबीस मिनट के बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसके बाद मैंने अपनी घड़ी देखी घड़ी देखा तीन घंटे का एग्जामिनेशन था आधे घंटे निकल चुके थे सौ नंबर के पेपर में एक भी नंबर अभी तक मैं हासिल नहीं कर पाया था और वहां पे मैं हो गया पैनिक पैनिक हो गया आते-आते क्वेश्चंस हाथ पैर कांपने लगे नहीं सही कर पा रहा हूं कुछ गलत टिक कर दिया बस इंतजार में कर रहा था कि भाई कब ये तीन घंटे खत्म हो जाए ठीक है इस बात का मैं इंतजार कर रहा था जबकि मैंने बहुत मेहनत की थी 1 साल की मेहनत थी मेरी ठीक है और उस एक साल की मेहनत के दौरान आप सोचो मैं इतना होपलेस हो गया पेपर में कि मैं सोच रहा था कि भाई ये तीन घंटे जल्दी से ख़त्म हो जाए बस मुझे अब अब नहीं मुझसे हो रहा है और अगर आप अब अगर मुड़ के मैं उस साल का वो पेपर देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कितना आसान पेपर आया था अगर माइक्रो प्रोसर का वो क्वेश्चन छोड़ दिया होता शुरुआत में ना एक मिनट में ही छोड़ दिया होता अगर वो क्वेश्चन तो पूरे के पूरे पेपर में बहुत सारे आसान क्वेश्चन थे जो मुझसे बहुत ईजिली हो जाते हैं हालांकि इसको मैंने एज ए लर्निंग लिया उसके बाद मैंने जो सारे एग्जामिनेशन दिए वहाँ पर मैंने अपनी ईगो को रखा साइड में और मैंने बोला भाई आसान क्वेश्चन ही अटम्प्ट करने ठीक है पेपर मैं देखता जाता था जहां पर मुझे लगता था कि अरे क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है छोड़ो इसको अगले क्वेश्चन पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए वहाँ पर लग रहा है बिल्कुल रेंज में सॉल्व किया उस क्वेश्चन को आंसर निकाला टिक किया किसी क्वेश्चन में देख के लगता है रेंज में थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद लग जाता है यार कुछ टेढ़ा यहाँ पर छोड़ो आगे बढ़ो भाई नब्बे क्वेश्चन सेवेंटी फाइव क्वेश्चन अटैप्ट करें हर क्वेश्चन को अगर आप स्कैन करते हुए चले जाओगे ना बीस से पच्चीस क्वेश्चन कहीं नहीं गए होते जो सबसे हो जाते हैं तो पहले वो बीस पच्चीस क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं ना पहले एक घंटे में एक घंटे में चालीस मिनट में, में सवा घंटे में जैसा पेपर का लेवल हो पहला एग्जाम का एक घंटा जो होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए यूज किया जाना चाहिए दिस इज दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ठीक है एक घंटा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए यूज करो वो सारे क्वेश्चन पूरे पेपर में ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ढूंढ के लगा दो जो आपको आते हैं तो क्या ये सीधे पेपर में जाके लगा दोगे क्या नहीं होता बेटा ऐसा नहीं होगा आपको ना ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में डालनी पड़ेगी मॉक टेस्ट से आप, कि आप पेपर को कैसे क्लियर है, कि यार मुझे ऐसे पेपर को करना है आप हमेशा एग्जाम में अच्छा करोगे ठीक है तो टेस्ट में डेवलप करो कि पूरे पेपर को कैसे स्कैन करना कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ पहले कर लेना टफ टफ क्वेश्चन सेकेंड हाफ में ट्राई करेंगे जो हमारा कॉफिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा करेक्ट उसके अलावा भाई एक एक बहुत ही अंडर पॉइंट होता है जो आपका रफ शीट मिलती है आई थिंक सिक्स रफ शीट्स मिलती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम उस रफ शीट्स को ना प्रॉपरली यूज नहीं करते यूजिंग रफ शीट प्रॉपरली मेक्स द बिग डिफरेंस बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनाती है ठीक कुछ लोग क्या करते हैं रफ शीट मिला जहां मन में आया जो मन में आया लिखना शुरू कर दिया पहला क्वेश्चन यहां है तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है दोनों के बीच में डायगोनल बन रहा है तीसरा क्वेश्चन यहाँ है चौथा है उनके बीच में डायगोनल बन रहा है पूरा खतरनाक तरीके से रफ कॉपी में खिचड़ी बना देते हैं उसके बाद जब उनको लगता है यार मार्क फॉर व्यू वाले क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेशन जब देखने आते हो तो कुछ आपको समझ में नहीं आता तो मैं कैसे अपने रफ शीट्स बनाता था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ देखिए ये मेरी रफ शीट थी पहले मैं क्या करता था इसको ना वर्टिकली तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेता था ठीक है वर्टिकली मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया और मुझे पता है छोटा छोटा लिखना है क्वेश्चन नंबर वन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया मैंने ए लिख दिया यहाँ पर मैंने हॉर्जॉन्टल लाइन खींच दी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री मुझे समझ में नहीं आया मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर फोर पर आया क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करता गया करता गया करता गया आंसर आ गया सी ऑप्शन मैच कर गया इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया फिर अगले पे आया क्वेश्चन नंबर फोर के बाद पांचवा और छठा मुझे स्ट्राइक नहीं किया तो मैं सातवें पर आ गया सातवें क्वेश्चन को मैंने प्रॉपली सोल्व करके आंसर टिक कर लिया आठवां नवां दसवां मुझको समझ में नहीं आया ग्यारहवीं को मैंने सॉल्व किया आंसर कैलकुलेट कर लिया आठवां क्वेश्चन मुझे भी समझ में आ गया इसको मैंने सॉल्व कर लिया वापस जाके मुझे अचानक से याद आ गया कि ग्यारहवें के बाद यार आठवें में ये कर देते तो जुगाड़ बन जाता तो आठवां सॉल्व कर दिया फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन पर आए फिजिक्स का क्वेश्चन था इसको सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल लिया तो रफ कॉपी का यूज़ बहुत ही सिस्टमैटिक बहुत ही प्लैंड वे में होना चाहिए जैसे मान लो बाद में मुझे कुछ स्ट्राइक किया कि यार सपोज क्वेश्चन नंबर ग्यारह को मैंने आंसर देखे मार्क् फॉर रिव्यू कर लिया था कि बाद में दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लूंगा तो मैं आराम से आऊंगा आराम से कैलकुलेशन यहां पे चेक कर लूंगा देख लूंगा अच्छा ठीक है सब कुछ ठीक था इसका वाला आंसर है ठीक था तो मैं उसको आंसर वाली कैटेगरी में डाल देता इस वाले क्वेश्चन को समझ रहा हूँ आप मेरी बात को तो रफ शीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों की उसमें ठीक है कुछ मैं आपको प्रो टिप्स देता हूँ सबसे पहली प्रो टिप आप लोग सुनिए मेरी बात को ध्यान से मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ फर्स्ट प्रो टिप सबसे पहली प्रो टिप है सबसे पहली प्रो टिप आप लोगों के लिए है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें या सॉल्यूशन करें तो लिप्सिंग करके पढ़ें मतलब चिल्लाना नहीं बिल्कुल धीरे धीरे ठीक है दिस शुड बी बी कॉल्ड एज थीटा 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 विल विल इक्वल टू डिग्री बिकम ऐसे जो आप करके पढ़ते हो ना तो आप देखना ना आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप लिप्सिंग कर रहे हो आप अपने हाथों से लिख भी रहे हो तो आप देखें ना आपकी बॉडी के सारे सेंसेस उस काम में इन्वॉल्व है जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए सेशन ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी के ना सारे सेंसेस इन्वॉल्व मैं बोल भी रहा हूँ मेरे दिमाग में थॉट भी चल रहा है मुझे क्या बोलना है मेरे हैंड भी इन्वॉल्व है आइज भी इन्वॉल्व है ठीक है सारे इन्वॉल्व तो बहुत कम चांसेस होंगे कि मेरे दिमाग में इस समय कोई दूसरा थॉट आएगा मेरे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे इस समय पर है ना वैसे जब आप पढ़ाई करते हो ना अगर आप बिल्कुल मुंह बंद करके पढ़ाई करते हो ना तो आपके दिमाग में चिट चैट चलता रहेगा कुछ ना कुछ चलता रहेगा इसका पैचअप हो गया उसका ब्रेकअप हो गया मैंने तो क्या सोचा था क्या हो गया फर्स्ट सेशन में ही अच्छा कर लेता तो पता नहीं क्या होता बारहवीं में पढ़ लिया होता तो, तो क्या होता सेकेंड क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया होता तो यहाँ नहीं बैठा होता वो पूरी चेन रिएक्शन क्रिएट होती आपके दिमाग में और वो पीछे लेके जाती नेगेटिव माइंड इज ऑलवेज मैगनेट ऑफ मैगनेट ऑफ नेगेटिव थाट्स हमेशा इस बात को याद रखिएगा ठीक है जैसे आपका माइंड खाली होगा ना

खाली छोड़ देना दिमाग को जितना ठंडा छोड़ दोगे दिमाग को सात तारीख को उतना अच्छा कर पाओगे कई लोग छह तारीख को पूरा दिन रात लगा देते हैं पढ़ने में मेट्रो में भी पढ़ते हुए जा रहे हैं बस में भी बाइक पे बैठ के पढ़ते हुए जा रहे हैं पर्सनली मैं बताऊं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता उससे अननेसेसरी दिमाग में नॉइजेज क्रिएट होती है और जब अचानक से हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना तो हमारा माइंड रिएक्ट नहीं कर पाता है तो लास्ट के एक दिन अपने माइंड को आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करिए छोड़ दो उसको जितना होना था हो गया एक दिन में वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा तो अब परफॉर्मेंस पर जाके हम लोग वहाँ पे आ, खेलेंगे ठीक है जितना पढ़ा हो उसको वहाँ पर एप्लीकेशन वाले पार्ट पे वी विल रिलाई ठीक है तो आई होप आपको ये कुछ बातें अच्छी लगी कुछ और एक आधे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जैसे क्या होता है कि सपोज़ आपने किसी क्वेश्चन को मार्क कर दिया ठीक है जैसे आपने उस क्वेश्चन को मार्क किया आप आ, आई ने आंसर की रिलीज़ की आंसर की रिलीज़ करने के बाद पता चला कि पता चला कि वो क्वेश्चन ही गलत था अब जाहिर सी बात है कि अगर वो क्वेश्चन गलत था तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलने चाहिए बट सारे कैंडिडेट्स को मार्क्स नहीं मिलेंगे उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन में कोई ना कोई ऑप्शन टिक किया था ठीक है सपोज एक क्वेश्चन नंबर थर्टीन था उसमें आप ए ऑप्शन टिक करके आए थे किसी ने बी टिक किया था किसी ने सी किसी ने डी टिक किया था ठीक है चार लोगों ने अलग अलग आंसर टिक किया बट वो सवाल ही गलत था अगर सवाल गलत था तो उन उस क्वेश्चन में जितने भी लोगों ने ए बी सी डी ऑप्शन टिक किया होगा ना सबको मार्क्स मिले किसी ने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था भाई उसको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है

तो उसमें उन्हीं बच्चों को पूरे मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने 63 थ्री किया होगा इन एन एनी वे ओके जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को देख के अंदाजा लग जाए सपोज आपसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट फोर इंटू टेन टू दी पावर एट आ गए एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ ठीक है तो ऑब्वियसली फिर उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा गलत होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क करके आ सकते हो क्योंकि वो मार्क्स टू ऑल वैसे भी होने वाले बट ये एग्जाम प्रेशर में जज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत मुश्किल है कि वो मार्क्स टू ऑल होगा कि नहीं होगा उस पर अवार्ड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बहुत मुश्किल है दिस आई एग्री जस्ट मैं आपके एक इनफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कहीं पर कुछ दिख जाता है कुछ ब्लेंडर दिख जाती है तो वहाँ पर आप चार नंबर का फायदा उठा सकते हो ठीक है चलो सो so, मेरी तरफ से इतना ही ठीक है एज अ सीनियर एज अ एल्डर ब्रदर एज अ एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड बातें बताने की कोशिश की ठीक है एग्जाम की एंगजाइटी से कैसे डेवलप करना एग्ज़ाम क्रैक करने के पीछे साइंस क्या होता है थॉट प्रोसेस क्या होता है मेथोडोलॉजी क्या होती है आई होप इन सारी बातों को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे अच्छा पर्सेंटाइल लेके आएंगे इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ ठीक है आके मैं एक एक बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है जय मेंस में आप अच्छे परसेंटाइज लेके आते हो तो वापस इस वीडियो पे ज़रूर आना और एक बार जरूर आ, मुझे बताना कि कैसे उसने हेल्प किया क्योंकि यार एक एजुकेटर की एक टीचर की आपको पता है मोटिवेशन क्या होती है पैसा रिकग्निशन फेम ये धीरे धीरे करके सबके पास आ जाता है बट ये आप लोग जो हर साल आके क्रेडिट देते हो कि सर इस एक पॉइंट की वजह से ना मेरे चार नंबर बढ़ गए आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी इस खुशी की कोई तुलना ही नहीं है कंपैरिजन ही नहीं है आप सोच नहीं सकते हो टीचर को इन सारी बातों से कितनी खुशी होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो है ना जब भी आपके अच्छे रैंक आ जाए लाइफ में कुछ भी हासिल करो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करो उनको ज़रूर आप किसी ना किसी फॉर्म में रिकग्नाइज़ करो ठीक है आप व्हाट्सअप स्टेटस उनको भेज दो व्हाट्सअप मैसेज भेज दो टीचर बहुत खुश हो जाता है यार आप सोच नहीं सकते हो कि उसके अंदर कितनी खुशी का संचार होता है ठीक है तो ऐसे अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा जो बिल्कुल डेटा बेस्ड जहाँ पर कि मैं साइंटिफिक बातें करूँगा जहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो सेम प्रिपरेशन में अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करते हो ठीक है चलो मुझे बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से इंटरेक्ट करके अपने पुराने दिन याद आ गए आई होप आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करोगे ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड यार फोड़ के आ एग्ज़ामिनेशन ठीक है और एक बात हमेशा याद रखना एग्जाम में अपनी पूरी जी जान हंड्रेड परसेंट जान लगा के आओ और जो आप वहाँ पे जान लगा के आ जाते हो ना फिर उसके बाद एटीट्यूड डेवलप कर लो भाई जो होगा देखा जाएगा पूरा जितना एफर्ट था झोंक दिया वहाँ पे पूरी जितनी जान हमारे अंदर थी सारी जान वहाँ पे हम लोगों ने लगा दी अब इसके बाद टेंशन दिमागी तौर पे नहीं लेना है अब देखना है कि भाई वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है उसको हम आगे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और लाइफ में हमेशा जो होगा देखा जाएगा एटीट्यूड वाला रखोगे ना कभी टेंशन नहीं होगी और लाइफ में आगे भी बढ़ते जाओगे हम लोग भी ऐसे आगे बढ़ें आप भी ऐसे ही बढ़ोगे ठीक है चलो थैंक यू सो मच एवरी ऑल द वेरी बेस्ट